सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्लीव में डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, आगे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ऊपर से भी मैंने फ्रंट की इस तरह कटिंग कर दी है। तो अब हम स्लीव में डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले इसके सेंटर में एक निशान बना लेंगे। ये मैंने एक सेंटर में निशान बना लिया। तो इसमें हमने यहाँ पे पहले तो हमने कोल्ड स्लीव को आपका एक वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें हमने ये कट दिया था। यहाँ पे ये होती है कोल्ड स्लीव। तो इसमें अब एक नया पैटर्न आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डिजाइन बना के दिखाएंगे। ये वाला इस तरह ये ड्रॉप डिजाइन बनेगा बिल्कुल आपके शोल्डर के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बुकरम चाहिए। तो ये मेरे पास बुकरम के पीसेस हैं जो हमारे गले की कटिंग में से निकलते हैं, वेस्ट होती है ये वाली बुकरम, तो हम इसे यूज करेंगे। तो हम दो पीस ले लेंगे, दो पीस दोनों बाजू में एक एक पैटर्न लगेगा। तो दो पीस के लिए यहाँ पे हमने पहले यहां से कर्व शुरू करना है। ये इस तरह आ जाएगा। अब आपने जो कटिंग करनी है वो आपने दोनों में बराबर करनी है। अब आप पूछोगे ये कितने इंच का है, ये मैंने इंच के हिसाब से नहीं लिया, ये मैंने ऐसे अपने आइडिया से बनाया। मैं आपको नाप के बता देती हूँ। जो इसकी लंबाई है वो हमारी 4.5 इंचज है। ये जो अंदर वाला होल बना है ये 4.5 इंच का है। जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच से थोड़ा कम है, 2.25 इंच है। तो ये हमारी चौड़ाई 2.25 इंच और ये लंबाई 4.5 इंच। तो अब हम इसकी पहले कटिंग इकट्ठी करेंगे, दोनों की अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग करोगे आप तो इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। यहां से हमने इसको थोड़ा शार्प लेना है। इसकी चौड़ाई हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बुकरम हार्ड होती है, तो फिर हमारी स्लीव में थोड़ा हार्ड डिजाइन बनेगा तो वो उठेगा ऊपर से। इसको हटा देंगे हम। अब हमने इसके अंदर से पैटर्न कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह दो डिजाइन कट गए हैं, सेम सेम कटे हैं, बिल्कुल बराबर है ये, इनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। तो हम मैं आपको एक बनाना बताऊंगी, दूसरा आपको उसी के हिसाब से बनाना है। अब हमने ये जो हमारा पैटर्न काटा था उसको हम एक कपड़े के ऊपर रख लेंगे और इसे पहले स्टिच कर लेंगे कपड़े के ऊपर। अब हमने इसे साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी सारा कट कर देना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे आपने बड़े ध्यान से फोल्ड करना है और मशीन रोक रोक के फोल्ड करोगे आप, नहीं तो ये एकदम से चलाओगे तो ये कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आपको ये बुकरम है जो दिखनी चाहिए बिल्कुल, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बुकरम के ऊपर आ रहा है वो आपने कट कर देना है। अगर आपको बुकरम का समझ नहीं आ रहा कि बुकरम क्या होती है, तो आप फ्यूज पेपर भी ले सकते हो, उसको आप पेस्ट कर लो कपड़े के ऊपर, और ये नॉर्मल स्टिचिंग वाली मटेरियल वाली दुकान से आराम से आपको मिल जाएगी। अभी ये बिल्कुल दिख रहा है सारा कर्व जो है इसका। अब आपने इसे यहां से इसका सेंटर बना लेना है। पहले यहां पे आप सेंटर का निशान लगाओगे। अब इसे हम स्लीव के ऊपर लगाना आपको बताते हैं। अब हमने इसको स्लीव के ऊपर लगाना है। ये वाला जो बनना है डिजाइन वो बिल्कुल हमारे शोल्डर के ऊपर आएगा, बस यहाँ पे हमारा तीरा खत्म होता है, उसके बाद ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच या 1.5 इंच हम ऊपर से कपड़ा छोड़ देंगे, 1.5 इंच छोड़ के इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले हम बीच में एक सेंटर की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, इससे हमारा ये जो है पैटर्न है वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हम धीरे धीरे बिल्कुल इसी शेप में इसको सिलेंगे।
आपने जो सिलाई लगानी है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, आपने बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाओगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर आपको कोल्ड स्लीव सीखनी है बनानी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आपने क्या करना है, यहां से थोड़ा कपड़ा काट देना है, एक कहीं से भी आप कट कर दीजिए इसको, और यहां से अब हम इसे इस तरह कट कर देंगे पहले बीच में से। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ के अंदर की तरफ इसे सारा इस तरह कट देते हैं। अब हमने इसमें हल्के हल्के नचिस लगाने हैं, कट्स लगाएंगे, ये पूरा गोलाई में है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो इसके पूरे हिस्से में हमने कट्स लगाने हैं, ये नहीं है कि थोड़े से एरिया में लगाएंगे, हम पूरे में इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा छोड़ के आधे आधे इंच पे कट्स लगा देंगे। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ पे हमने बड़ी ध्यान से यहाँ पे कट लगाना है, सिलाई नहीं आपकी बिल्कुल भी कटनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है कपड़े को, ये जो बुकरम वाला एरिया है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके हाथ से आपने अच्छी तरह इसको इस तरह सेट करना है। आपने सिलाई को अच्छी तरह हाथ से इस तरह प्रेस कर देना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है तो आप इसे आयरन कर लीजिए, आयरन करने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा इस तरह ये वाला डिजाइन बन गया है। अब सबसे पहले हमने इसके किनारे सिलने हैं, क्योंकि जब बाजू में हम इसको डालेंगे तो प्रेशर बनेगा, ये खुल सकता है यहाँ से हमारा ये कपड़ा। पहले हमने इसके बिल्कुल किनारे सिलने हैं। अब साइड में सिलाई लगाने के बाद हमने इसे ये जो बुकरम है हमारी इसको हम ऊपर से सिल देंगे और इसको हम बाद में तुरपाई कर देंगे। अब ये हमारा डिजाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपके पास कोई लटकन है तो आप इसमें हैंग कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह ये हमारा कट बहुत छोटा है तो इसमें छोटे हैंगिंग्स लगेंगे, ये मेरे पास एक हैंगिंग पड़ा है, थोड़ा बड़ा साइज है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह हम जैसे ये बड़ा है तो हम इसे इस तरह हैंग कर सकते हैं, अगर आपने कोई थोड़ा लंबा लगाना है तो इस तरह आप लगा सकते हो, ये स्लीव के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न अब बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करके देख लेंगे, ये हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी और ये हमारा स्लीव में जब हम अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा शोल्डर पे आएगा।